नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेवलपर दुनिया यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपने इस वेबसाइट के साइड बार को फिक्स कर सकते हैं ऑन स्क्रॉल पे। तो देखिए, बाकी ये जैसे कि मैंने आपको एक डिज़ाइन दिखाया हुआ है, एक मैंने डिज़ाइन बनाया था। तो देखिए, यहाँ पर एक ऊपर हेडिंग आ रही है, एक मीन्स एक बैनर है, और लेफ़्ट साइड में मैंने एक ब्लॉग का पेज बनाया हुआ है, डिटेल पेज। तो लेफ़्ट में इमेज आ रही है और ब्लॉग के बाकी की डिटेल आ रही है, और राइट साइड में रीसेंट पोस्ट के लिए साइड बार आ रहा है। हमने रीसेंट में कुछ पोस्ट की होंगी वो शो करेंगी। तो अब देखिए, जैसे माउस स्क्रॉल करते हैं और अगर पोस्ट का जो डिटेल पेज होता है तो जिसमें जो पोस्ट में अगर कंटेंट ज़्यादा होता है तो हम ऐसे स्क्रॉल करते करते ऊपर जाते हैं और जो राइट साइड का जो एरिया होता है वो बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। कभी कभी तो जैसे कि मैंने अभी कंटेंट लिखा हुआ है, कभी कभी कंटेंट इससे भी ज़्यादा लेंथी हो सकता है। तो हम चाहते हैं कि साइड बार को फिक्स किया जाए जिससे कि राइट का एरिया भरा भरा सा नज़र आए, ब्लैंक नज़र ना आए। तो अभी देखिए, जैसे खाली हो रहा है ना, तो इसके लिए आपको इसका मैं छोटा सा सॉल्यूशन बताता हूँ CSS के अंदर। तो देखिए, आप देखिए, ये इसका इंडेक्स पेज है, ये जो मैंने आपको ब्लॉग का पेज दिखाया था, और ये CSS यहाँ पे लिखी हुई है। आपको यहाँ पे क्या करना है, मैं यहाँ पे नीचे जाता हूँ और यहाँ पे इसमें एक क्लास पकड़ लेता हूँ साइड बार की। तो साइड बार की क्लास देखिए ये वाली मैंने पकड़ ली, जिसके अंदर कंप्लीट राइट साइड बार का कंटेंट है। जैसे कि यहाँ पे लिस्ट आ रही है, हेडिंग आ रही है, ये देखिए पैनल जो है वो सभी कुछ इसी में है। तो मैं यहाँ पे इसकी क्लास लिखता हूँ और आपको देखिए दो लाइनों का कोड लिखना है और ये बिल्कुल स्टिकी हो जाएगा। आपको यहाँ पे पोजीशन करनी है स्टिकी और टॉप से कर देंगे जितना आपको चाहिए हो, जैसे कि मैं आपको 30 पिक्सल करके दिखाता हूँ। अब मैं देखिए पेज को बस करूँगा रिलोड और पेज को अब करेंगे देखिए स्क्रॉल, तो राइट साइड बार अपने आप फिक्स हो जाएगा। ये देखिए, देखिए राइट साइड बार अपने आप फिक्स हो गया। और आप ये भी ध्यान दीजिए, अगर जैसे ही राइट साइड बार की हाइट मीन्स नीचे से और जो लेफ़्ट साइड बार का जो कंटेंट होगा वो इक्वल हो जाएगा, तब इसकी फिक्स नॉर्मल पोजिशन में आ जाएगा। देखिए अभी आप देखते रहिए नीचे, अब देखिए जैसे ही दोनों इक्वल पोजिशन में आएंगे ये राइट साइड बार नॉर्मल पोजीशन में हो जाएगा, और जब हम बी मिडल में होंगे तो ये स्टिकी हो जाएगा। तो देखिए अब देखिए स्क्रॉल नॉर्मल हो गया है बिल्कुल, और जब हम रिवर्स करेंगे तो ये देखिए बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। तो यही था आज के ट्यूटोरियल में। अगर आपको ये ट्यूटोरियल यूज़फुल लगे हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।